नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिशुर उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शाहीन बाग के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान सुर्खियों में रहे थे, जिन पर नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगा था। यहां तक कि गाजियाबाद के नगर कोतवाली में इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो वही दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर जब शिकंजा कसा गया तो सबसे पहले हिमायती बनकर कोई सामने आया तो वो अमानतुल्ला खान ही थे। मगर अब खबर है कि दिल्ली सरकार ने अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। अमानतुल्ला खान के जरिए 11 फरवरी 2020 के बाद से लिए गए उनके फैसलों को सरकार ने रद्द करने का फैसला भी किया है। दरअसल विधानसभा के भंग होने से पहले अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद पर संवैधानिक तौर पर थे, लेकिन 11 फरवरी 2020 के बाद विधानसभा के भंग होते ही उनके सारे पावर को सीज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अमानतुल्ला खान विधानसभा इलेक्शन के होने के बाद वक्फ बोर्ड के ऑफिस आते थे और चेयरमैन के तौर पर वो काम भी करते थे, लेकिन वो कानूनी तौर पर चेयरमैन नहीं थे क्योंकि दोबारा से बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ था। इस सब के बीच विधानसभा मामलों की समिति और दिल्ली सरकार के मंत्री अशोक गहलोत ने उनको पद से हटाने का फैसला किया है। इसको लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की उस फाइल को लॉ मिनिस्टर और विधानसभा मामलों की समिति ने ग्रीन सिग्नल दे दी है, जिसमें अमानतुल्ला खान के चेयरमैन के पद पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसमें कहा गया था कि जब विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही अमानतुल्ला खान को दोबारा चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना इलेक्शन के चेयरमैन के तौर पर काम करना शुरू किया जो असंवैधानिक और गैरकानूनी था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया है। अमानतुल्ला खान को मेल के जरिए इस बात की जानकारी पहले ही दे दी गई थी और फिर कल देर रात इसका सरकारी आदेश भी आ गया। आपको बता दें कि अमानतुल्ला खान विधानसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद जब दोबारा विधायक बने तो चेयरमैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कानूनी जानकारों ने सवाल खड़े कर दिए थे और दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे कि अगर सरकार सच में कामों को लेकर पारदर्शी है तो फिर क्यों नहीं अमानतुल्ला को दोबारा चेयरमैन नियुक्त करती है। आपको बता दें कि दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने 29 जनवरी को आप विधायक और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के कोष का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। उस वक्त अधिकारियों ने बताया था कि अमानतुल्ला ने वक्फ बोर्ड के कोष का कथित तौर पर गबन किया और अनियमित भर्ती की। फिर अब देखना यह होगा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाया है उस पर अमानतुल्ला खान का क्या कुछ रिएक्शन आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।